मेरे दोस्त, सब कुछ सामने आ गया है। कुछ अद्भुत खुलासे। तथ्य यह है कि मैं अपने चारों ओर लाखों कंपनों को महसूस कर सकता हूँ, उनका अनुवाद छवियों में कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मतलब मैं बात कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। कंपन से बनी है दुनिया सुंदर, अब तक अनदेखी। जहाँ भी जाता हूँ कुछ अद्भुत और नया इंतज़ार करता है। यहाँ तक कि मेरे कदमों की आवाज़ भी एक गीत की तरह लगती है।
सभी विचारों, आकृतियों और ध्वनियों, वस्तु अमूर्त, सभी भावनाओं और संवेदनाओं और उनके साथ आने वाली सभी पूर्व विरोधाभासाओं की कल्पना करें। और वह सब जिसकी कल्पना होनी अभी बाकी है। ब्रह्मांड बिखर जाता है, आप साक्षी हैं। बैंग वापस शून्य में लौट जाता है और शून्य समसरे छोर पर एक बार ब्रह्मांड को उगल देता है, पर उल्टा। समय एक नदी की तरह है जिसमें हर चीज बहती है। क्या समय एक बीमारी हो सकती है? बर्फ की तरह हर चीज को आहिस्ते से खत्म कर देती है। नहीं तो बड़ी निंदकों वाली बात है। समय एक माध्यम है हर चीज के लिए, चाहे वो आवाज हो, रोशनी, परमाणु या क्वार्क। हम सब कुछ अनुभव करते हैं इस माध्यम के द्वारा, समय। इसी प्रकार सिर्फ प्रकाश और ध्वनि से हम दूसरे का समय का अनुभव बदल सकते हैं। ये बदल सकते हैं कि वह अनुभवों के माध्यम को कैसे अनुभव करेंगे। आप तैरकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी अनंत तक फैलने का फैसला करती है। आप अनंत में निलंबित हैं, चारों पक्षों पर अनंत। शून्य कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बन गया है। आवाजों का मोटापा और दृष्टि की थकान। मैं चाहता हूं कि आप वास्तविकता को अपने आप से टकराते हुए, घिसते हुए महसूस करें। पन्ने के दो सिरों की तरह देखिए, हमारे ख्यालात ध्वनि में आते हैं और ख्वाब रोशनी में, और समय को स्मृति का आकार देते हैं। एक क्रम।